साउंड भी बहुत ज्यादा गाना का आ रहा था तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इसके कारण हम शूट नहीं कर पाए और पहले शूट कर लिए छठ ब्लॉक को और उसके बाद फिर इंट्रो हम शूट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, मैं अफजल इस्लाम, आप देख रहे हैं जहानाबाद ब्लॉगर। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अगर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट फॉलो कर ले। बिहार में मनाया जा रहा है, हम लोग के बीच में दो दो महा त्योहार है। पहला आपका रमजान चल रहा है, दूसरी है लोक आस्था की महा त्योहार जो है छठ पूजा। ये अलग ही वाइब दे रहा है दोनों, गंगा जमुना तहजीब को लेके। और यहाँ देखा जाए भी तो जहानाबाद में दोनों नदियां एक साथ मिली हुई है, दरधा जमनैया नदी का संगम है जहानीबाद में। और दोनों त्योहार भी इस बरसात में मनाया जा रहा और लोग बहुत मस्ती से दोनों त्योहार को एंजॉय कर रहे हैं। नहान खान से ये त्योहार स्टार्ट होता है और सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ देके समाप्ति होती है, जो आज है। छठ के ब्लॉग इसलिए नहीं आ पाया टोटल क्योंकि मेरा खुद का फास्टिंग, अभी भी हम फास्टिंग में हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। को भी सपोर्ट कीजिए, आपकी बहुत हमको जरूरत है। जैसे जैसे आप सपोर्ट कीजिएगा वैसे वैसे हम बेहतर आपको कंटेंट बने रहे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें। अभी हम लोग हैं दरधा जमनैया संगम घाट जो ठंगरबारी में स्थित है और आगे का वीडियो बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चार बज के 44 मिनट हो चुका है और मैं घाट पे पहुंच चुका हूं। आगे का अपडेट देता हूं, आप वीडियो में बने रहे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। जाए यहाँ पे दूध दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नहाया जा रहा है, बहुत इंजॉय लेके मस्ती किया जा रहा है यहाँ पे और अर्घ देने के लिए भी तैयार है लोग। अभी हम लोग जहानाबाद के संगम घाट पे हैं जो ठकुरबारी संगम घाट के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रही है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और भगवान भास्कर को यहाँ पे अर्घ देने के लिए सब लोग तैयार है यहाँ पे। यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रहा है, भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अब कुछ ही देर में
हस्त भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। लोग जल ढालने के लिए और सूर्य भगवान को भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सब लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ते जा रही है यहाँ पे। बच्चे को भी दिया जा रहा है यहाँ पे। देखा जाए तो भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है और अर्घ देके अपने अपने घरों में जा रहे हैं और फिर प्रसाद बांटने का रिवाज जो है वो किया जाएगा। अब आपका भाई मिलता है अफजल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।